चमोली में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आज जिला प्रभारी प्रदीप थपलियाल के नेतृत्व में नगरपालिका में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में अभियान को लेकर सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई और वहीं लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा है कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार झूठ प्रपंच को जनता के सामने परोस रही है, जो कि जनता नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार के झूठ को सामने ला रही है, जिससे पूरे भारत में एक सकारात्मक संदेश आया है और इसी को देखते हुए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का भी शुभारंभ कर रही है। इस अभियान से ही पार्टी कांग्रेस की विचारधारा के साथ ही लोगों को जोड़ने का काम करेगी और जन मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाएगी। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा अभी 100 दिन पूरे कर चुकी है और जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर इस यात्रा का जो फीडबैक मिला है, बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। इसी यात्रा के जो इश्यूज हैं, इसी यात्रा के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस यात्रा का एक नया स्वरूप लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो करके कार्यक्रम एक बनाया है, जो 26 जनवरी से और लगभग 2 महीने तक ये कार्यक्रम रहेगा।